सिविल इंजीनियरिंग की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टेंशन मेंबर, इसके पहला जो लेक्चर हुआ था उसमें टेंशन मेंबर का विश्लेषण किया गया था। विश्लेषण मींस कि कोई भी जो टेंशन मेंबर है उसकी स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर इज इक्वल टू नेट इफेक्टिव एरिया ऑफ मेंबर इनटू परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। तो इस तरीके से उसमें किसी भी टेंशन मेंबर का शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल निकालना सिखाया गया था, और उसमें अगर हम उसकी जो अनुज्ञेय तनन प्रतिबल है मल्टीप्लाई करने के पश्चात उसकी सामर्थ्य की गणना करना बताया था। तो आज उसी के आगे बढ़ते हुए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इससे संबंधित है उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चित्र में प्रदर्शित एक ही चित्र दिखाया गया है। चित्र में प्रदर्शित तनन अवयव की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। उसमें प्लेट की चौड़ाई 160 मिलीमीटर, प्लेट की मोटाई 10 मिलीमीटर, रिवेट का व्यास 16 मिलीमीटर, गेज डिस्टेंस 50 मिलीमीटर और विषम पिच ये 40 मिलीमीटर दी गई है। अनुज्ञेय तनन प्रतिबल का मान 150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। अब इस चित्र में आपको करना ये है कि इसका जो क्रिटिकल सेक्शन है, संभावित जो खंड है इसके, इस पर तुमको शुद्ध क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि एक खंड ये है, इसमें नंबर दे दे 1, 2, 3 और 4। दूसरा खंड मान ले इस तरीके से, इसको नंबर दे दिया 5। तो सबसे पहले खंड 1, 2, 3 और 4 पर विचार करें, इस पर शुद्ध क्षेत्रफल कितना होगा। फिर इसके बाद में खंड 1, 2, 5, 3, 4 पर विचार करें, इस पर शुद्ध क्षेत्रफल कितना होगा। इन दोनों पर जो शुद्ध क्षेत्रफल प्राप्त होगा उन दोनों में जिसका मान न्यूनतम होगा उसको गणना में लिया जाए। तो सबसे पहले खंड 1, 2, 3, 4 पर काट का प्रभावी क्षेत्रफल तो इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा जो रिवेट के चेन सिस्टम में लगता था, B-ND × T। अब इसमें B की वैल्यू दे रखी है 160 mm, D कैलकुलेट कर लीजिए, D बराबर 5 प्लस 1.5 से, तो 5 की वैल्यू 16 दे रखी है, 1.5 ये हो जाएगी 17.5 mm। तो इसमें 5 की वैल्यू पुट कर दे तो N क्या है, नंबर ऑफ रिवेट्स। तो इस रेखा पर कितने रिवेट है, 1 और 1 2 रिवेट है, तो N बराबर हो गया 2, D की जगह पे लिख दिया 17.5 और T की जगह पे 10। इस तरीके से इसको जब हल करेंगे तो 35 से कम हो जाएगा, कितना हो गया ये हल करने में 1250 mm². अब इसके बाद में खंड लेंगे 1, 2, 5, 3, 4 खंड 1, 2, 5, 3, 4 पर काट का प्रभावी शुद्ध क्षेत्रफल। इसमें भी प्रभावी शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल लिख ले। तो अब इसमें देखिए ये हमारा जिगजैग सिस्टम है। जिगजैग सिस्टम के लिए क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो है B-ND + N1P1² / 4G। ये फार्मूला हो गया चौड़ाई के लिए, इसमें मोटाई से
गुणा कर दिया गया। अब इसमें देखें b की वैल्यू 160। अब इस कार्ड पर कितनी लिमिट है, तीन, एक दो और तीन, तो यहां पर n बराबर हो जाएगा तीन, तो माइनस थ्री इंटू 17.5। अब n1 क्या है, नंबर ऑफ जिगजैग लाइंस, यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं की संख्या, तो इसमें एक जिगजैग लाइन ये है, दूसरी ये है, तो इस तरीके से n1 बराबर हो गया दो, तो इसमें रख देंगे प्लस दो, p1 की जगह पे लिखेंगे 40 का स्क्वायर बटे 4g, और g की वैल्यू दे रखी है 50। इस तरीके से इसमें फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाती है 1235 mm². आप लोग कैलकुलेशन खुद चेक कर लेना, तो उसके अनुसार जो भी न्यूनतम हो, हमारे हिसाब से ये न्यूनतम वैल्यू है, तो ये प्रभावी क्षेत्रफल ये गणना में लिया जाए। अब इसके बाद में उपांग की सामर्थ्य, इसमें जो टेंशन मेंबर है इसकी स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, सामर्थ इज इक्वल टू नेट एरिया इंटू एफटी, तो नेट एरिया इन दोनों में कम कौन सा है, 1235, और इसमें 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एफटी की वैल्यू 150 दे रखी है, तो इसको जब हल करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी किलो न्यूटन में लिखेंगे 185.25 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से ये सिंपल सा क्वेश्चन था टेंशन मेंबर का, तो इसमें आपको सबसे पहले बस यही ध्यान रखना है टेंशन मेंबर में कि शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल निकालना है, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन को सुनिए और जो उसकी आवश्यक डिटेल है उसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद इसको हल करें। एक कोड़ी खंड, एक कोड़ी खंड ISA, एक कोड़ी खंड ISA 200 × 100 × 10 mm, ये कोड़ी खंड का माप है, इसके पहले एक बोला गया, यानी एक खंड का इस्तेमाल होना है, तो एक कोड़ी खंड ISA 200 × 100 × 10 mm, इसकी भार वहन क्षमता ज्ञात करें, यानी इस पर कितना लोड आ सकता है ये कैलकुलेट करना है। इसकी लंबी टांग, इसकी लंबी टांग को गजिट प्लेट के साथ 16 मिलीमीटर व्यास के, 16 मिलीमीटर व्यास के रिवेटों की, तो इसमें जो रिवेट इस्तेमाल किया गया है उसका व्यास है 16 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर व्यास की रिवेटों को दो कतारों में कैसे लगाया गया है, दो लाइन में जोड़ा गया है। तो अब इसका डायग्राम भी साथ में देख लें, एक ये गज ब्लेड हो गई, एक खंड ये हो गया जिसकी लंबाई एक टांग की 200 है और दूसरे की 100 है। अब इसमें रिवेट लगानी है दो कतार में, तो एक लाइन ये हो गई इसकी और दूसरी लाइन इसकी इधर दिखा दें। अगर हम इसको एलिवेशन में देखेंगे तो ये हिस्सा हमारा ऐसे दिखाई देगा, इसकी मोटाई ये होगी, बल एफ यहां लगेगा और गजिट प्लेट को कुछ ऐसे बना दिया,
तो इसमें रिवेट की लाइन एक ये हो गई और एक ये हो गई, दो कतारों में इसको लगाना है। अब इसके बाद में एफ टी की वैल्यू 150 mm लीजिए, तो एफ टी की वैल्यू 150 mm न्यूटन, सॉरी 150 mm न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अब इसमें कहा दो कतारों में लगाई गई, किस सिस्टम से लगाई गई है, तो दो सिस्टम दिए हैं, पहला कि श्रृंखला पद्धति में लगाई गई हो, दूसरा विषम पद्धति में लगाई गई हो और उसका पिच जो है 50 mm हो। तो पहला तो हो गया उन्होंने कहा चेन सिस्टम में, दूसरा इन्होंने कहा जिगजैग सिस्टम में लगाई गई हो और उसमें विषम पिच की वैल्यू 50 mm दी गई। तो इसमें जो चेन सिस्टम है ये तो आसान है। तो अब देखिए तुमको ये पता है कि हम गजिट प्लेट के साथ जिस टांग को जोड़ते हैं उसकी लंबाई हमेशा L1 मानते हैं। तो इसमें 200 लंबी टांग जोड़ी गई है, तो L1 तो हो गया ये 200 और बकाया टांग हो गई L2, प्लेट इसकी मोटाई को T मानेंगे। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले रिवेट छिद्र का व्यास, रिवेट छिद्र का व्यास D=16 × 1.5 यानी 17.5 mm, ठीक है। अब इसके बाद में सबसे पहला लेते हैं जब चैन सिस्टम में जुड़ा हो, पहला तो हो गया हमने ले लिया कि जब रिवेट चैन सिस्टम में जोड़ी गई हो। अब इसके लिए सबसे पहले निकालें जुड़ी टांग का क्षेत्रफल, जुड़ी टांग का क्षेत्रफल जिसको कि हम A1 मानते हैं, तो ये हो गया L1। अब देखिए इसमें दो रिवेट लगी हैं, तो यहां पे लिख देंगे 2D, जब एक लगती थी तो यहां लिखते तो सिर्फ D, माइनस T/2 × तो इस तरीके से L1 की जगह पे 200 माइनस 2 × 17.5 माइनस 10/2 × 10, इसको हल करेंगे तो ये वैल्यू निकल आती है 1600 mm². अब इसके बाद में निकालेंगे बकाया टांग की लंबाई, बकाया टांग की लंबाई, सॉरी बकाया टांग की लंबाई न लिख करके क्षेत्रफल, बकाया टांग का क्षेत्रफल इसको लिखाएंगे A2। A2 बराबर L2 माइनस T/2 × T। अब L2 के स्थान पर यहां पर हो जाएगा 100 माइनस 10/2 × 10, तो ये हो जाएगा 950 mm², ठीक है, 950 mm². अब इसमें देखें क्योंकि एक ही कोणीय खंड है, अब हमारा जो शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल का फार्मूला है A1 + KA2। अब इसमें K1 की वैल्यू क्या लेंगे, 3A1 / 3A1 + A2, तो यहां पर K की वैल्यू जो लेंगे 3A1 / 3A1 + A2, तो इसमें ये वैल्यू जब पुट करेंगे कौन सी, A1 के स्थान पर 1600 और A2 के स्थान पर 950, तो K की वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.83। अब K की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, A net = 1600 + 0.83 × 950
तो इस तरीके से ये एरिया निकल आएगा 358.3, 358.3 mm, गलत लिख रहे हैं कुछ, सॉरी, इसमें एरिया निकालेंगे 2388, ये एरिया हो जाएगा 2388.5। अब इसके बाद में इसके जो सामर्थ्य निकालेंगे, सामर्थ्य निकालने के लिए 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो F इज इक्वल टू ए नेट इंटू एफ टी, ये हो गया 2388.5 गुणित 150, और ये जब वैल्यू हल करेंगे किलो न्यूटन में लिख दे रहे डायरेक्ट 358.3 ये किलो न्यूटन में हो। तो इस तरीके से जो पहला हिस्सा था इसका कि 16 mm व्यास की रिवेट दो कतारों में श्रृंखला पद्धति में जोड़ी गई हो तब ये है, तो श्रृंखला पद्धति में कैसे जुड़ी, इस तरीके से। अब देखिए इसमें रिवेट कितनी लगेंगी ये नहीं पता, क्यों, क्योंकि इसमें रिवेट की सामर्थ्य नहीं निकाली गई है कि जो फोर्स लग रहा है उसके लिए कितनी रिवेट है। तो सिंपल सा मान लिया कि हमारा चेन सिस्टम है, दो लाइन में लगाना है, रिवेट कितनी भी हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका डायग्राम बनेगा और ऐसे आपको ये हल करना है। दूसरा सिस्टम है कि अगर ये जिगजैग सिस्टम में लगी हो, तो जिगजैग सिस्टम के लिए जिगजैग सिस्टम कैसे होगा कि एक लाइन में दो रिवेट नहीं होंगी, कैसे होंगे कि एक लाइन में हमने ऐसे रिवेट लगाई ये, तो दूसरे लाइन में रिवेट कहां पे लगेगी, दो रिवेटों के बीच में, इस तरीके से। फिर इसके बाद अगली रिवेट अगर और लगानी है तो इसके आगे, ठीक है। तो ये सिस्टम हमारा कहलाएगा जिगजैग सिस्टम। तो इसका एक सेक्शन हमारा ये लिया जाएगा और दूसरा सेक्शन ये लिया जाएगा, तो इसको नाम दे दें 1, 2, 3 और ये 4। तो ये दो खंड लिए जाएंगे जिसमें कि आपको इसका प्रभावी क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो अब इसके लिए देखिए क्या क्या चीज की जरूरत है। सबसे पहले क्योंकि जिगजैग सिस्टम है तो जिगजैग सिस्टम का फार्मूला पता है, चलिए इसको हटा देते हैं। जब जिगजैग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले जुड़ी टांग का क्षेत्रफल, जुड़ी टांग का क्षेत्रफल, अब इसके लिए जिसको कि हम A1 मानते हैं, A1 इज इक्वल टू, तो A1 कैसे निकालते थे, इसकी लंबाई इंटू थिकनेस। अब इसकी लंबाई निकालने के लिए हमारा जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ये कहलाती थी पहले फार्मूले में B, तो अब यहां पे लिखेंगे L1। अब देखिए किस खंड पे निकाल रहे हैं, 1, 2, 3 पे लिख दे, खंड 1, 2, 3 पर चूड़ी टांग का क्षेत्रफल, तो इस पे रिवेट संख्या कितनी है 1, तो L1 minus B minus TY2 into T, ये तो सिंपल सा हो गया। तो इसमें L1 की वैल्यू 200, B की वैल्यू 17.5 और T की वैल्यू 10, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो अब देखिए जब इसको हल करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 1775 mm स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद में खंड लेंगे 1, 2, 4
पांच, एक दो चार पांच, उखंड एक दो चार पांच पर जुड़ी टांग का क्षेत्रफल, इसको फिर ए वन के बराबर लिखेंगे। तो अब देखिए ये जो खंड है, ये जिगजैग सिस्टम के अनुसार इसका एरिया निकालेंगे। तो जिगजैग सिस्टम का फार्मूला क्या होता था, डी माइनस एन डी प्लस एन वन पी वन स्क्वायर अपॉन फोर जी इंटू टी। तो अब इसको इससे कंपेयर करें तो b के स्थान पे तो हो गया एल वन, यहां लिख देंगे एल वन माइनस एन डी प्लस एन वन और ये डिस्टेंस कहलाएगी p1, तो ये हो गया p1 स्क्वायर अपॉन फोर जी। अब इसमें g की वैल्यू नहीं, इसमें g की वैल्यू नहीं थी, तो g की वैल्यू कौन सी होगी, ये। अब ये वैल्यू तुम्हें कहां से मिलेगी, तो तुम्हारी किताब में स्टील टेबल के आगे एक टेबल बनी है जिसके ऊपर हेडिंग लिखी है रिवेट गेज डिस्टेंस टेबल। क्या लिखा है, रिवेट गेज डिस्टेंस टेबल, जिस पर एक एंगल सेक्शन का चित्र बना है। वो चित्र कैसे बना है, इस तरीके से एक चित्र बना है और उसमें इस तरीके से दो रिवेट दिखाए गए हैं और एक रिवेट इस टांग में दिखाया गया है। पेज ढूंढने में आसानी होगी, ये दूरी लिखी है उसमें a और यहां से ये दूरी लिखी है सेंटर तक b और ये यहां पर लिखी है c और इसमें जो कॉलम बने हैं उस कॉलम में जो कोणीय खंड है उसके टांग की लंबाई दे रखी लेग साइज, तो ऊपर से नीचे तक घटते क्रम में है कि अगर टांग की लंबाई 200 mm है तो उसके लिए इन्होंने a b c तीनों वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो उस टेबल से आप g की वैल्यू जो इस चित्र में b दिखाई गई है b के द्वारा वो दूरी नोट कर लेंगे, वो दूरी कहलाएगी गेज डिस्टेंस। तो तुम्हारी उस टेबल में जी की वैल्यू दे रखी है 85, यानी कौन सा कॉलम में देखेंगे, जिसमें ए बी सी तीन कॉलम बने हैं, तो बी वाले कॉलम में देखेंगे। तो हमको चाहिए ये डिस्टेंस और उसमें ये डिस्टेंस बी से दिखाई गई है। हमारे इस क्वेश्चन में उसको हम भले जी लिख रहे हैं लेकिन वैल्यू पुट करेंगे बी की, तो उससे b की वैल्यू नोट करके ये 85 इसमें लिख दिया है। अब इसके बाद में इंटू t, तो l1 के स्थान पे 200, l1 के स्थान पे 200, अब इस खंड पे कितनी रिवेट है, दो, तो n की जगह पे हो गया दो, d की वैल्यू होगी 17.5। अब इसमें जिगजैग लाइन सिर्फ एक है तो n1 इक्वल टू हो गया एक, p1 के स्थान पर 50 का स्क्वायर बटे 4 इंटू g के स्थान पर 85 इंटू 10। ये क्वेश्चन इसीलिए कराया गया है कि आपको ये पता चल जाए कि अगर g की वैल्यू नहीं दी गई है तो हम उसको कहां से ढूंढेंगे, तो इसलिए बताना जरूरी है। एग्जाम में आपको बुक नहीं मिलेगी, एग्जाम होता है कहीं पे तो आपको बुक नहीं मिलेगी, स्टील टेबल मिलेगी। तब आपको स्टील टेबल में ये पहचानना है कि जिस चीज की हमको जरूरत है वो स्टील टेबल में कहां पर है। तो इसके लिए दो तरीके हैं, एक तो या तो तुम सीख लो, दूसरा ये एक स्टील टेबल खरीद लो कि जब आगे क्वेश्चन हल करो तो उस स्टील टेबल का इस्तेमाल करिए जो आपको आगे हमेशा मांगने पे मिलती रहे। किताब में आपकी सहूलियत के लिए कुछ पेज स्टील टेबल के लगा दिए गए हैं जो तुम्हारे डिप्लोमा स्टैंडर्ड में जब जरूरत पड़ती है उसके हिसाब से, बाकी स्टील टेबल में तो बहुत सारी डाटा दिए हैं, प्रॉपर्टीज हैं, तो
तो इस तरीके से हमने A1 की वैल्यू ये निकाली और ये वैल्यू निकली 1747 mm स्क्वायर। अब देखो इसमें एक का एरिया जब हमने खंड ये लिया था तो ये आया था 1775, जब खंड हमने ये लिया तो आया 1747, यानी इस खंड की तुलना में ये खंड का अनुप्रस्थ इसका प्रभावी क्षेत्रफल कम है। तो जिसका क्षेत्रफल कम है उसी को हम गणना में शामिल करेंगे। अब A1 की वैल्यू कहलाएगी ये, और बकाया टांग ये है तो बकाया टांग का क्षेत्रफल जैसे इसके पहले निकाला था A2 = L2 - TY2 × T, L2 की वैल्यू 100 - 10/2 × 10 यानी कि 950 mm². तो A1 पता चल गया, A2 पता चल गया, तो अब K की वैल्यू निकाल दो। K की वैल्यू K = 3A1/3A1 + A2। जब इसमें A1 और A2 यानी ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, इनकी वैल्यू जब पुट कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 0.847। दो अंकों में अगर ले तो 0.85 ये निकल आएगी। अब इसकी स्ट्रेंथ निकालने के लिए जो हमारा पहले नेट एरिया निकाले, नेट एरिया A1 + K2 से और FT से मल्टीप्लाई कर दे। तो इस तरीके से जो टेंशन मेंबर है उसकी स्ट्रेंथ आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस आधार पर जो हमने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं उसके आधार पर आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करिए, और नहीं आते हैं तो उनमें कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हो, ठीक है? ओके, अब अगला आता है डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर। डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर, तो इसकी डिजाइन प्रक्रिया बहुत आसान सी है। आपको करना क्या है कि आपको दिया रहेगा कि टेंशन मेंबर पर जो बल लगना है F, उसकी वैल्यू दी रहेगी। जैसे कहा गया कि भाई एक कोणी खंड का अवकल्पन कीजिए, दो कोणी खंड का अवकल्पन कीजिए या चपटी पत्ती का अवकल्पन कीजिए, यानी क्या तुमको डिजाइन करना है वो तुमको पता रहेगा। उस पर कितना तनाव बल आ रहा है, 150 किलोन्यूटन आ रहा है, 200 किलोन्यूटन आ रहा है, यानी आने वाला तनाव बल ये आपको पता रहेगा। तो F की वैल्यू पता है, कोणी खंड एक चुनना है या दो चुनना है या प्लेट चुनना है ये आपको पता रहेगा। अब जो अनुज्ञेय तनन प्रतिबल है, अनुज्ञेय प्रतिबल जो FT है, इसकी वैल्यू तुम्हें बताया कि भाई 150 Nm² है। इसके पहले जो एनालिसिस किए इसमें क्या निकालते थे, अनुज्ञेय तनन सामर्थ्य F = A net × FT। अब इसमें आपको ये F की वैल्यू दे रखी है और FT की वैल्यू दे रखी है, तो करेंगे क्या हम इसमें जो खंड जिसका चयन करना है उस खंड का रिक्वायर्ड नेट एरिया कैलकुलेट करना है। तो रिक्वायर्ड नेट एरिया जिसको ए नेट लिखेंगे is equal to F/FT, यानी खंड पर लगने वाला या बहन किए जाने वाला तनाव बल बटे अनुज्ञेय प्रतिबल। तो इस तरीके से हमने ए नेट कैलकुलेट कर दिया। अब तुमको पता है कि कोई भी टेंशन मेंबर है
ये गजेट प्लेट के साथ या तो रिवेट से जोड़ेंगे या बेल्ट द्वारा जोड़ेंगे। तो अभी तक जो हमने नेट एरिया कैलकुलेट करते रहे थे उसमें उसके ग्रॉस एरिया से रिवेट छिद्रों के लिए कटौती करते थे। अब क्या है, हमें नेट एरिया पता हो गया कि इतने की जरूरत है, तो अब रिवेट छिद्रों के लिए जो कटौती करते थे वो कटौती इसमें हमें जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि स्टील टेबल से अगर हम किसी खंड का चयन करेंगे तो उस टेबल में हमको खंड का ग्रॉस एरिया दिया रहेगा। तो हमको सबसे पहले इस नेट एरिया को ग्रॉस एरिया में कन्वर्ट करना है, इसको ग्रॉस एरिया में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए जो हमारा आईएस कोड 800/1984 है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि अगर रिवेट के माध्यम से इसको जोड़ा गया है तो इसके जो नेट एरिया है उस नेट एरिया में 40 से 50% एक्स्ट्रा रिवेट छिद्रों की कटौती के लिए जोड़ दें। तो इस तरीके से जो हमारा ग्रॉस एरिया है, ग्रॉस एरिया इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एरिया नेट प्लस, इसमें से आपकी ये सुविधा है कि आप 40% लेते हैं 50% लेते हैं, जो भी आप लें उसको हम 40 से 50% जो है एक्स्ट्रा ले लें। तो इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहेंगे कि भाई 300 किलोन्यूटन का लोड वहन करना है तो हमने इसको न्यूटन में बना दिया 1000 से गुणा करके और एफटी की वैल्यू 150, तो इस तरीके से 2000 mm स्क्वायर एरिया हो गया रिक्वायर्ड। तो अब हम 2000 में ये तो हो गया 2000 और 40% ले लेंगे तो कितना हो गया इसका 800, 50% लेंगे तो 1000, तो इस तरीके से हो गया 2800 mm स्क्वायर। तो इस एरिया के लिए हमको खंड का चयन करना है। अब अगर क्वेश्चन में कहा गया कि एक कोड़ी खंड का चयन कीजिए तो तुमको स्टील टेबल से ऐसे खंड का चयन करना है जिसका ग्रॉस एरिया इसके आसपास हो, क्योंकि ये अमाउंट हमने 40% एक्स्ट्रा लिया है। अब मान लो तुमको मिल रहा है 2795 स्क्वायर एमएम का, तो 2795 और 2800 में कोई डिफरेंस नहीं, ये नहीं है कि हमको एग्जैक्ट 2800 कभी नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट 2800 mm स्क्वायर एरिया का खंड नहीं मिलेगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जिस एरिया के लिए हम खंड का चयन कर रहे हैं उस खंड के नजदीक जो एरिया हमने कैलकुलेट उसके आसपास एरिया देख लें। अगर दो कोणी खंड कहा गया है कि दो कोणी खंडों को गजेट प्लेट के साथ संबद्ध किया जाना है तो इसका मतलब है फिर ये एरिया है वो दो खंडों का है, तो इसके लिए एक खंड का एरिया निकालो, क्योंकि हमें स्टील टेबल में तो एक ही खंड मिलेगा, तो हमने उसके हिसाब से दो से डिवाइड कर दिया, लिखा कि भाई एक खंड का आवश्यक क्षेत्रफल, तो एक खंड का क्षेत्रफल यानी 1400 mm स्क्वायर, तब हम एक खंड के लिए चयन करेंगे। तो इस तरीके से स्टील टेबल में अलग अलग साइज के यानी लेग लेंथ है, अलग अलग थिकनेस के 2-3 खंड ऐसे मिल जाएंगे जिनका एरिया इसके करीब हो, जिसका एरिया इसके करीब हो। तो जब एरिया से आपने खंड 3 खंड दिखाई दे रहे कि भाई ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, तो 3 खंड अगर ले सकते हैं तो उसमें बेटर कौन सा रहेगा, तो उसमें ये देखिए कि टेबल में एक कॉलम बना होगा वेट पर यूनिट लेंथ, कि भाई हमने 3 खंड देखे, एक का वजन है 8.5 kg/m, दूसरे का है 7.9 kg/m, दूसरे का है 8 और समथिंग कुछ भी। तो अब देखिए कि जो हमारी इसकी कॉस्ट है मार्केट में बाई वेट मिलते हैं, तो अगर हमारे 3 खंड है जिसका वजन कम होगा और एरिया इसके नजदीक है
तो उसकी वजन कम होने की वजह से उसकी कॉस्ट कम होगी, तो ये हमारे लिए इकोनॉमिकल सेक्शन कहलाएगा। तुमने खंड का चयन करने के पश्चात फिर हम इसको जिस प्रकार का भी अरेंजमेंट किया गया है जोड़ने का, उसके आधार पर डायग्राम बनाएंगे। इसको रिबेट से जोड़ा है तो रिबेट से जोड़ेंगे, रिबेटों की संख्या निकालेंगे कि कितनी रिबेट लग रही है, और इसकी तनन सामर्थ्य निकालेंगे। अगर तनन सामर्थ्य जो इस पर फोर्स आ रहा है उससे ज्यादा है, यानी खंड की तनन सामर्थ्य और बाहर से जो लगने वाला तनाव बल है उससे ज्यादा है, तो हम कहेंगे हमारा ये टेंशन मेंबर सुरक्षित है। हम अगर फोर्स तक ना कैलकुलेट करें तो हम ये देखें कि हमारा रिक्वायर्ड नेट एरिया कितना है, 2000 mm। तो अगर हम इसका एरिया नेट निकालें, उसी को कंपेयर कर दें, तो अगर रिक्वायर्ड नेट एरिया से जो खंड हमने चयनित किया है उसका नेट एरिया ज्यादा है तो खंड सुरक्षित है, और अगर नहीं है तो फिर ये प्रक्रिया तुमको कौन सी चयन की, फिर स्टील टेबल में पहुंचिए। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन काटने की आवश्यकता नहीं है, इसमें लिखेंगे चयनित खंड का शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल आवश्यक शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल से कम है, अतः खंड असुरक्षित है, खंड का पुनः चयन करने पर। अब इसके बाद में जो तुमने 3 खंड में 2 छोड़ दिए थे उससे अधिक उसको चयन कीजिए, उसके बाद जांच करिए। तो जिस खंड पर शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल आवश्यक प्रभावी क्षेत्रफल के अधिक या बराबर प्राप्त, कम नहीं प्राप्त होना चाहिए, उस खंड को चयन कर लीजिए। तो इस तरीके से आप जो है जो हमारा डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर है, तो इसमें खंड के रूप में कोई भी सेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट टर्न पर इसके डिजाइन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हल कराएंगे। हम समझते हैं आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। और रिवेट ज्वाइंट का जो अविकल्पन है इसके साथ साथ ही किया जाएगा, क्योंकि कोई भी टेंशन मेंबर उसकी तो आपने स्ट्रेंथ निकाल दी, वो सेफ है, लेकिन जो हमने ज्वाइंट बनाया और ज्वाइंट की स्ट्रेंथ उतनी नहीं है जितना कि ये बल आना है, तो चाहे ज्वाइंट फेल हो या टेंशन मेंबर का सेक्शन फेल हो, दोनों में से यदि कोई फेल होता है तो संरचना फेल हो जाएगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है डिजाइन करते समय खंड के साथ साथ ज्वाइंट भी सुरक्षित हो। ओके, तो आज यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।